हेलो फ्रेंड्स, नीलम रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज हम नमकीन मुरमुरा बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गरम कर लिया है। अब मैं यहाँ पर 1/4 कप मूंगफली दाना डाल दूंगी। अब इसको लगातार चलाते हुए 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। मूंगफली बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती है। देखिए, मूंगफली हमारे बीच में से फटने लगी है, अभी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून रोस्टेड चना डाल देंगे। इसको भी थोड़ी देर के लिए इसमें फ्राई कर लेंगे। लगातार चलाते रहेंगे। दोनों चीज़ें हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम एक बाउल में इसको निकाल लेंगे। अब सेम कढ़ाई में तेल बचा हुआ है, तो इसमें हम कड़ी पत्ता डाल देंगे। अब मसाले डाल देंगे इसमें। मैं यहाँ पे नमक डाल दूंगी थोड़ा सा, 1 पिंच हल्दी का पाउडर डाल दूंगी, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। मिला लेंगे मसालों को। बस ज़्यादा फ्राई नहीं करना है मसालों को। अब मैं यहाँ पर 2 कप मुरमुरा डाल दूंगी। अब मुरमुरे को लगातार चलाते हुए 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, जिससे इसका मॉइस्चर भी निकल जाएगा और मसाले मुरमुरे के ऊपर अच्छे से कोट भी हो जाएंगे। अगर आपको चाट मसाला पसंद है तो यहाँ पे आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। बस लगातार चलाते रहेंगे। देखिए, सारे मसाले मुरमुरों के ऊपर अच्छे से कोट हो गए हैं और देखने में क्रंची भी लग रहे हैं। अब हम यहाँ पर नमकीन सेव मिलाएंगे। तो मैंने यहाँ पर आधा कप सेव ले लिया है, मिला लेंगे इसको भी। अब जो मूंगफली दाना और चना हमने फ्राई किया था, इसको भी इसमें डाल देंगे। अब सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। बस अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमारा नमकीन मुरमुरा बनके तैयार हो गया है। आप इसे जरूर ट्राई करिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।